कभी अपने जमाने में ये वो चौकेट जहाँ अपने बच्चों की कभी किलकारियां कूदती थी, कभी यहाँ पर बैलों की घुंघरू की आहट आती थी तो कभी यहाँ प्रियारियों की छनछन की आवाज, बैलों की आवाज गूंजा करती थी। आज ये वो जगह खंडर बन चुकी है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि भूत है यहाँ पर। आज तक ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया था तो सर्वे में आज तक ने इसी छतरी के पास कहा था कि ये दुनिया की सबसे भूता जगह है। उस छतरी का सर्वे करने के लिए आज हमारी टीम उस टीम के साथ ही चौंटी गुरप्रीत सिंह, सरपंच चौधरी और सुंदर सिंह व्यास हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। इस समय रात के 2:30 बज चुके हैं और हम लोग यहाँ पूरा सर्वे कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें ऐसी कोई आत्माओं की आवाज़ सुनाई दे। अभी तक मुझे खंडरों में कुछ सुनाई नहीं दिया है। और लोग कहाँ करते हैं कि जब यहाँ पर सूर्य ढलने की ओर होता है तो परिंदे भी अपनी जगह छोड़ दिया करते हैं और यहाँ पर कोई भी इंसान तक नहीं आता है। पर मैंने अभी यहाँ पर पूरा सर्वे किया और हमारी टीम हमें ऐसी कोई प्रेम आत्माओं की आवाज़ सुनाई दे रही है ना। हमें यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। ये शानदार घरों के शानदार मंदिर कभी यहाँ की रौनक हुआ करती थी। वो जैसलमेर के अत्याचारी दीवान सालन सिंह की पूर्णता के आगे गाँव खाली हो गए थे और वो लोग चले गए। आज के गाँव भजन का रूप धारण कर चुके हैं और इतिहास का एक नया अध्याय बनता जा रहा है। अपने आप को इतिहास को सजा के रखा है इन पत्थरों ने और हमने यहाँ पर पूरा सर्वे किया। हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि यहाँ पर कोई सबूत है और न ही हमें आज तक की बात पर विश्वास हो रहा है। हमने इसके कोने कोने आप लोग अगर मेरे साथ चले तो उस मकान तक चले जाकर के हम देख सकते हैं। वो अंधेरे का मकान जहाँ पर ढंग कर अंधेरा मोबाइल के डॉट ऑन करेंगे मेरे साथी दिलीप सिंह और हम इसका सर्वे कर रहे हैं। कुछ नहीं है ये आप अगर के देख लीजिए कोई प्रेत है ना आत्माएं हैं सागर है तो कोई पुराने जलगाड़ हो सकते हैं। अंधेरे में आप मेरे साथ आ जाइए। यहाँ पर अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है और ये बिल्कुल सुनसान जगह लाइट जगह कभी अपने आप में ये किसी के घरों में हुआ करते थे। आज इसमें कुछ नहीं है किसी के साथ। अब इस समय रात के 3 बजने वाले हैं। हमारी टीम अपने घर की ओर प्रस्थान करेगी और आज तक के मिथक को हमने यहाँ पर तोड़ दिया। कोई प्रार्थना आत्माएं नहीं है और ना ये दुनिया की भूता जगह है।